अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम लोग आए हुए हैं कानपुर की सरज़मीन पे। एक इलाक़ा है जाजमऊ, जहाँ अल्लाह के एक मुक़दस वली जिन्हें लोग मखदूम शाह आला के नाम से जानते हैं, आज हम उनकी बारगाह में आए हुए हैं। आज यहाँ का व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। और अगर नाज़रीन आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आज हम जाएंगे सरकार मखदूम शाह आला की बारगाह में। तो इधर देखिए कैसे टीले में हैं, बहुत करामतें हैं बाबा की, इंशाल्लाह सारी करामतें बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दरगाह के अंदर। काफ़ी ऊपर मज़ार शरीफ बनी हुई है। ये जो आपको दिख रहा है, ये पहले पहाड़ टाइप में था टीला, इसे लोग कहते हैं। काफ़ी ऊपर है जो मज़ार शरीफ, इधर देख रहे होंगे आप। तो अभी हम लोग थक चुके हैं चढ़ते चढ़ते, बस अब चढ़ रहे हैं ऊपर। जैसे तारागढ़ की चढ़ाई होती है, इस तरीके से चढ़ाई है। लोग चढ़ते चढ़ते थक जाएं, लेकिन माशाल्लाह ये मेन गेट है मदार शरीफ का। देखिए लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाब मखदूम यानी बाप का माना दरवाज़ा होता है, यानी सरकार मखदूम शाह आला के दरगाह का ये गेट है। माशाल्लाह हमको यहाँ से इंटर होना है। इंटर होने के बाद फिर इंशाल्लाह अंदर का नज़ारा करना है कि अंदर क्या है क्या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत जगह है, माशाल्लाह काफ़ी जगह भी है। देखिए ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं। तो नाज़रीन फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी थक चुके हैं चढ़ते चढ़ते। और मेरे साथ मेरे दोस्त हाफिज़ अनस साहब भी हैं, और भी दो लोग दोस्त आए हुए हैं। ये हमारे पीछे अमीर हमज़ा भाई हैं, और पीछे सैयद अज़ज़ साहब की भी हैं। माशाल्लाह बड़े मोहब्बती हैं, इंशाल्लाह आप इनको यूट्यूब में देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी छाए हुए हैं, समझ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मेरे बैकग्राउंड देख सकते होंगे कि ये मखदूम शाह आला अली रहमत रिजवान की बारगाह में लोग हाज़िर हैं। इंशाल्लाह बस वज़ू वगैरह करके फिर हम अंदर चलेंगे, अंदर का नज़ारा कराएंगे। जो ये नीम मेरे पीछे देख रहे हैं, तो इसकी भी बड़ी करामत है, इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे इंशाल्लाह आराम से। तो वीडियो बने रहें और वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट की बात छूट जाए और कोई करामत छूट जाए आपसे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। इंशाल्लाह इस नीम के बारे में बताएँगे, इस नीम की क्या खासियत है, और बाबा कहाँ से आए थे, सरकार मखदूम शाह आला कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनकी क्या करामतें हैं क्या नहीं, पूरी बात करते हैं। माशाल्लाह ये गुंबद है सरकार मखदूम शाह आला की मज़ार पाक का। सुभानअल्लाह, ये पीछे का हिस्से का है, तो यहाँ से गुंबद दिख रहा है और अंदर से गुंबद दिख नहीं रहा था। दादा मियाँ के दर से मखदूम शाह के दर से, दादा मियाँ के दर से, दादा मियाँ के दर से मखदूम शाह के दर से, दादा मियाँ के दर से, दादा मियाँ के दर से, दादा मियाँ के दर से मखदूम शाह के दर से, मखदूम शाह के दर से, दादा मियाँ के दर से, दादा मियाँ के दर से मखदूम शाह के दर से, मखदूम शाह के दर से मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है। जैसा कि हम लोग मदार शरीफ में हाज़िर हैं सरकार मखदूम शाह आला की,
तो जैसा कि हमको बताना है कि बाबा जान कहाँ से आए थे और हज़रत की क्या करामत है क्या नहीं, तो जैसे सरकार मखदूम शाह के वालिद गिरामी हज़रत काजी सिराजुद्दीन अल मारूफ दादा मियां अली रहमत रिजवान की, तो उन्हीं के शहज़ादे हैं ये, शहर जज इराक़ से है, वहाँ से आप तशरीफ़ लेकर आए थे। तो सरकार ख्वाजा गवी नवाज़ ने आपको शहर कानपुर में भेजा था, शहर कानपुर में, क्योंकि शहर कानपुर के लोगों को आपकी ज़रूरत थी, सरकार मखदूम शाह की यहाँ के लोगों को ज़रूरत थी ऐसे लोगों, क्योंकि ये जाजमऊ जो है, ये जाजमऊ एक बादशाह के नाम से है, एक बहुत ज़ालिम बादशाह था जिसका नाम जाज था। तो वो ज़ालिम बादशाह क्या करता था कि अपने बेटी के यौम विलादत के दिन, पैदाइश के दिन, हर साल एक लड़की को बलि दिया करता था। तो एक गरीब औरत थी, तो उस साल जब आया सरकार मखदूम शाह की यहाँ जलवागरी हुई, तशरीफ़ आवरी हुई, तो उस साल उस बादशाह ज़ालिम के लड़की का यौम विलादत जब आया तो उसने ऐलान करवा दिया, उसके यहाँ पैगाम पहुँचवा दिया, उस औरत से बोल दो कि तुम्हारे लड़की का कल बलि चढ़नी है मेरी बेटी के यौम विलादत के दिन। तो वो औरत रोती रही और रोने के बाद सरकार मखदूम शाह की बारगाह में आई, इसी बारगाह में आई जब आप हयात थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो औरत आपकी बारगाह में आके गिड़गिड़ाना शुरू कर दी, रोई। तो हज़रत ने फरमाया एक काम करो, बेटी को लाकर मेरे पास छोड़ दो। आप अपने पास अब छोड़ने के लिए उससे कहा, तो वो औरत अपनी बेटी को आपकी बारगाह में लाकर छोड़ दी, आप भी वहीं बैठ गई। फिर उसके बाद उस ज़ालिम बादशाह की उस सिपाही आपकी बारगाह में आए और अर्ज़ करते हैं कि ऐ फ़कीर, ऐ बाबा जान, हम आपको नहीं जानते और आपको हमारे हमसे हमारे मसले से कोई लेना देना नहीं है, तो लिहाजा इस बेटी को दे दो, बादशाह का हुक्म है, इसकी बलि चढ़नी है। सरकार मखदूम शाह को जला लाया और कहे जाके अपने बादशाह से बोल दें कि अगर तेरी हिम्मत है तो आकर के ले जाए, अगर तेरी हिम्मत है तो आकर के इस बेटी को ले जाए। तो बादशाह को भी गुस्सा आता है, तो आने के बाद अपनी पूरी फ़ौज के साथ आता है, पूरी फ़ौज के साथ आता है और आकर के सरकार मखदूम शाह से कहता है कि तुम क्या रहे हो, मेरा हुक्म तुम नहीं माने, इस लड़की को क्यों नहीं दिया। सरकार मखदूम शाह को जला लाता है, आपने कहा कि ऐ ज़ालिम बादशाह, ये जो कर रहा है तो उसको छोड़ दें। वो बादशाह कहता है ऐ बूढ़े, ऐ फ़कीर, तुझसे इतनी ऊँची आवाज़ बात करता है। तो अपने फ़ौज को हुक्म देता है कि इस बाबा को, इस फ़कीर को उठा लो। सरकार मखदूम शाह को जला लाता है, तो आप कुछ नहीं करते, आप मुसल्ले में बैठे होते हैं, आप सिर्फ अपने मुसल्ले के एक कोने को मोड़ते हैं, तो कोने को मोड़ना क्या था कि पूरे जाजमऊ आपको पलट जाता है, पूरा जाजमऊ निस्तो नाबूद हो जाता है, जहाँ तक कि बादशाह का महल किला जो भी था सब बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाता है। तो ये करामत है सरकार मखदूम शाह की, इंशाल्लाह वो जो पलटाए थे किले को, महल को जो पलटाए थे, इंशाल्लाह सबको दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ दिखेगी, उस टीले के पास भी जाएंगे, उस किले के पास भी जाएंगे, वो गेट भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझको बताएं सरकार की करामत आपको ऐसी लगी, और अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हैं, शहर कानपुर का इलाका है जाजमऊ, जिस जगह सरकार मखदूम शाह आराम फरमाएँ। ठीक है, लोग की हाज़िरी हो गई है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा लगा। तो आइए बात करते हैं अपने भाइयों से, अमीर हमजा भाई, तो हाजिरी लगा, अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छे से ज्यारत हुई और बहुत अच्छा माहौल है, खुशगवार माहौल है यहाँ का, सरकार की बारगाह में जब भी हाजिरी देने आते हैं तो बड़ा कल्बी सुकून हासिल होता है। सुभानअल्लाह, तो आप भी आएँ अगर सुकून हासिल करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने उनको इतना सुकून दे देता है कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। हम लोग की हैसियत क्या है कि हज़रत के बारे में हम लोग कुछ, हाँ, मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। और बाकी सब लोग खैरियत से हैं ना, मैं आते वक्त इन लोग की खैरियत लेना भूल गया, इतना ज़्यादा मैं खुश था कि मेरे 16,000 सब्सक्राइबर हो गए। आप लोग का भी तहे दिल से शुक्रिया, और मेरा और सपोर्ट करें, मुझको और आगे तक बढ़ाएँ। अब मेरा टारगेट है 25,000 का, इंशाल्लाह अगर 25,000 मेरा करा दिए तो अभी मैं जाजमऊ, कानपुर, उन्नाव वगैरह वगैरह घूम रहा हूँ इंशाअल्लाहु अज़ीज़। अगर 25 के मेरे हो गए तो मैं सबसे पहले सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाऊँगा और आपको भी वहाँ की ज़ियारत कराऊँगा इंशाअल्लाहु अज़ीज़। बस लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। तो नाज़रीन, बात करते हैं भाई लोगों से, तो कि भाई लोग आप लोग से क्या कहना चाहते हैं मेरे लिए? बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे अदनान भाई जो है इतनी मेहनत करते हैं मखदूमिया चैनल के लिए, जल्दी से जल्दी इनके 25K सब्सक्राइबर करा दीजिए और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी माशाल्लाह। तो ठीक है फिर नाज़रीन, जब तक के चलते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम।